दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घाट पर प्राण। दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल है। हमें कभी भी दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए और अभिमान से बचना चाहिए। यह दोहा श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। हैप्पी दिवाली। याद है रामायण के अंत में जब राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या आ रहे थे, सब ने अपने घर में दिए जलाए थे, पर ऐसे क्यों? ताकि वे अपने मन में जो बुराइयां हैं उनको हटाए एवं वे अंधकार को भी हटाए। ये दोहा सुनो। चकाचौंध में खो गई घनी अमावस रात, दीप तले छुप कर करे अंधियारा आघात। दीपों का त्योहार है लाए शुभ संदेश, कटे सिमर का जाल अब जगमग हो परिवेश। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हम रात को देखते हैं तो हम खो जाते हैं, जब दीप हम जलाते हैं तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। ये दीपों का त्योहार जो है हमें शुभ समाचार लाता है एवं जब भी हम दिवाली मनाते हैं तो वह हम सबको खुश रखता है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। No one is good, no one is bad. They react according to time. This thought means neither a person is good nor he is bad. He always is good or bad on time. राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे ही समर्प बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, शंपल पड़े किए अरुपाए। यह श्लोक श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। इसका अर्थ है कि नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, सत्कर्म के बिना समर्पण और विद्या के बिना अकल का कोई मोल नहीं रहता। इससे हमें श्रम के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली। रामायण में रानी कैकेयी ने क्रोध में आकर महाराजा दशरथ से राजकुमार राम को 14 वर्ष के कठिन वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने के दो वर मांगे, जो बिल्कुल गलत थे। क्रोध वाच्या वाच्यम प्रकुपितो न विजानति कहचित, न कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि क्रोध में मनुष्य सही और गलत का विवेक खो देता है और इसलिए हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। हैप्पी दिवाली। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचयिता की है, उसका ही एक दोहा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नारी, सुप्नखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। तुलसीदास कहते हैं कि किसी भी स्त्री या पुरुष की उसके मीठे बोल और सुंदर वस्त्रों से उसके मन के भावों की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि कपड़े तो रावण के भी सुंदर थे और मन से मैली तो सुप्नखा भी थी। हैप्पी दिवाली। रामायण से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं और सबसे अच्छी सीख यही है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर ना हो, अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। जैसे रावण जो बहुत शक्तिशाली थे पर बुरे मार्ग पर चलने लग गए, इसलिए राम जी जो अच्छे मार्ग पर चलते थे उनसे हार गए। वैसे ही हमें भी हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलना चाहिए। हैप्पी दिवाली।